इस समय एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास। धमाके के बाद जमाके की जगह पर पहुंची है फोरेंसिक टीम, सबूत इकट्ठा कर रही है दिल्ली पुलिस की फोरेंसिक टीम। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ब्लास्ट कैसे हुआ, कब हुआ, क्या क्या कौन से वो मटेरियल थे जो कि इस ब्लास्ट में यूज किए गए, इसके लिए फोरेंसिक टीम की जांच बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। एफएसएल की टीम वहां पहुंच रही है और इस समय मेरे को ये बताया जा रहा है कि एनआईए एटीएस दिल्ली का स्पेशल सेल और इनके बाद अब एफएसएल की टीम को भी बुला लिया गया है क्योंकि एक बार फिर ये इलाका इतना संवेदनशील है और जब ये हुआ इसका जो समय और तारीख है वो इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इतनी ज्यादा संवेदनशील है कि दिल्ली पुलिस को कोई भी स्टोन अनटर्न जिसे कहते हैं कोई भी वो नहीं छोड़ सकते। अगर आप एक बार फिर देखें, मैं अपने कैमरा पर्सन से जूम करूंगा, ये जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं अगर आप इनके पार देखें और जूम करके अगर आपको दिखाएं तो ये वो जगह है और ये वो बैरिकेड है जिसके पार वो ब्लास्ट हुआ। जो भी अभी इनिशियल इन्फॉर्मेशन आई है क्योंकि अभी एनआईए की टीम, एटीएस की टीम, एफएसएल की टीम, सारी टीम्स यहां पर पहुंची हुई है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आई है वो ये कि वो जो फुटपाथ होता है वहां पर जो फूल होते हैं, पौधे होते हैं, वहां पर रखा गया ये जो आईईडी है। इसके बारे में जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो अभी और आएगी क्योंकि सीसीटीवी की जो फुटेज है उसको इस समय खंगाला जा रहा है। स्पेशल सीपी क्राइम, जॉइंट सीपी क्राइम लोकेशन से जा चुके हैं। मेरी साथी शिखा इस सड़क के दूसरे छोर पर है, मैं इस समय मानसिंह की तरफ हूँ, खान मार्केट वाली तरफ हूँ और शिखा इस समय दूसरी तरफ है। शिखा, ओवर टू यू, वहां पर क्या है, अभी क्या मूवमेंट है शिखा? बिल्कुल ऐश्वर्या, देखिए सुपर सीडियस जो है वो बड़े अधिकारी यहाँ पर सीन को एग्जामिनेशन करने के बाद हम बता।